समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, संस्थाएं बंद चल रही हैं, दो साल से ये समय बड़ा नाजुक समय चल रहा है हमारे विद्यार्थियों और स्कूलों के लिए। बच्चे उपस्थित नहीं है, हम सब मिलकर आज इस कम्युनिटी को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारे देश को का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हमारे देश के बड़े क्रांतिकारियों ने अपने खून बहाया इस देश के लिए, जिसमें हमारे सभी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और सभी क्रांतिकारी नेता ने अपनी भूमिका को अंतिम रूप दिया। मेरे सभी साथियों, हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों ने तरक्की की है और काफ़ी तरक्की होना बाकी है। हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया बनाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी कुछ खामियां हैं, उनमें हमारी सरकार काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम और आप देश और विदेश कहीं भी कोई भी सूचना एक सेकंड में हमें आपको तुरंत मिल जाती है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरे साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की और शिक्षा ही एक ऐसी कि शिक्षा के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। और आप शिक्षकों का एक अहम शिक्षा के क्षेत्र में रोल होता है, क्योंकि शिक्षा वही देते हैं और जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी देश की तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जैसे हमारे देश में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, शिक्षाविद, आपके सभी वैज्ञानिक अच्छे निकलेंगे तो हम विश्व में तरक्की करेंगे। जब हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हम सभी तरक्की करेंगे, तो शिक्षा के बगैर हम तरक्की संभव नहीं है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी तरक्की की है। एग्रीकल्चर हमारे विश्व में, हमारा देश काफ़ी आगे है और औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने कामयाबी ली है। कुल मिलाकर हम काफ़ी, हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है हम सभी के सहयोग से, सरकार के सहयोग से हम सब मिलकर तरक्की करेंगे और भाईचारा अपनाएंगे। भाईचारा जब तक नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस स्टेज पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ 73वें गणतंत्र दिवस की, बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो आप सभी को, आप सभी परिवार को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।